कलेक्ट्रेट स्थित उपसंचालक चकबंदी के कोर्ट में बुधवार को सभी 68 नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट गेट सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। कलेक्ट्रेट में केवल नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य को ही जाने की अनुमति दी जा रही थी तथा उनके समर्थकों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा बाहर ही रोक दिया जा रहा था। वही उप चकबंदी कोर्ट में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र की जनता को सड़क, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ही पहली प्राथमिकता होगी तथा क्षेत्र के कमियों को दूर किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों तथा उप संचालक चकबंदी सुनील कुमार ने कहा। आप पहले तो आराम से बैठ जाओ। नहीं नहीं हमें अरे बैठ जाओ, हम चेक कर दें। दो वार्ड का बस रिप्लाई, एक वार्ड का अभी टैली नहीं हुआ। इसी आधार पर हमने सर इसका
सुनील यादव वार्ड नंबर 3 2900। क्या प्राथमिकता रहेगी आप? ये जनता के बीच जनता का सेवा करना। और सरकार की योजनाओं का कितना लाभ दिलवाएंगे लोगों को? जितना हो सकेगा अधिक से अधिक दिलवाएंगे। सावित्री यादव वार्ड 59। कितने मत दीजिए? 2000। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जनता की सेवा करेंगे। गांव के विकास के लिए क्या क्या करेंगे? जो जनता कहेगी वो करेंगे। सरकार की योजनाओं का कितना लाभ दिलवाएंगे? योजनाएं आती हैं गांव तक जाती हैं। हाँ वो करेंगे हम लोग। सुधा सिंह मीना थापा गर्ल्स इंटर कॉलेज की मैं प्रिंसिपल भी हूँ। वार्ड नंबर 4। कितने मत 500 से। क्या प्राथमिकता रहेगी आपको? क्षेत्र का विकास और समस्याओं का निराकरण। गांव के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? जी सर, गांव के विकास में क्या क्या करेंगे? अरे आप भी सर, जितना रूटीन में आएगा वो सारा कदम मैं उठाऊंगी। सरकार की योजनाओं का लोगों को कितना लाभ दिलवा पाएंगे? पूरा। मैं चाहूंगी कि हर घर हर जन तक उसका लाभ हो। सरिता देवी कितने नंबर वार्ड से चुनाव जीती है? 62 वार्ड संख्या 62 से। कितने मतों से? 886। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता जो प्राथमिकता रहेगी वो सब करूँगे। गांव के विकास के लिए क्या क्या करेंगे? गांव के विकास जो गांव की जरूरत रहेगी उसको पूरा करूँगे। सरकार की योजनाओं का लाभ कितना दिलवाएंगे? सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ दिलवाऊंगे। निषाद वार्ड नंबर 21 वाली ब्लॉक से विजेता हुआ हूँ। क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या करेंगे? क्षेत्र के विकास के लिए मैं पब्लिक का पूरा सेवा करूंगा। जितना क्या क्या कमी है पूरे क्षेत्र में मैं देख चुका हूं। पूरे क्षेत्र में घूमा हूं, 2-3 साल से पूरे क्षेत्र में घूमा हूं। एक एक कमी मैं उसको ख़त्म करूंगा। पहली बार चुनाव लड़ा हूँ मैं। गाँव के विकास के लिए क्या क्या? गाँव के विकास के लिए मैं जैसे सड़क हुआ, लाइट हुआ, बच्चों को शिक्षा का हुआ, सब ये सब चीज़ों में ध्यान रखते हुए सबका अपने साथ सबका भी विकास साथ दूंगा मैं। सरकार की योजनाओं का लाभ कितना दिलवाएंगे लोगों को? मैं पूरा लाभ दिलवाऊंगा। मैं केवल चुनाव में इसलिए आया हूँ ताकि लोगों का विकास कर सकूँ। जिला पंचायत सदस्यों का प्रमाण पत्र वितरण होगा। 68 वार्ड हैं, 68 जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको प्रमाण पत्र वितरित किया जा चुका है। सर उनकी कोई शिकायत किस तरह? कोई शिकायत नहीं है, एकदम निष्पक्ष रूप से हुआ, सब प्रसन्न होके गए। प्रत्याशियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अपना सरकार की जो कार्यक्रम है उसमें सहयोग करें, जनता की सेवा करें, यही निर्देश है।